हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी प्रैक्टिस। वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 15.3 डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन अ प्रोग्रेसिव वेव, चैप्टर नंबर 15 वेव का। यह टॉपिक है क्लास 11 एनसीईआरटी। तो हमने प्रीवियस वीडियो में वेव की बात की थी। वेव क्या होती है? ठीक है, बेसिकली द मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू अ मीडियम, ओके, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू अ मीडियम, ओके। एंड हमने उसके टाइप्स भी देखे थे। तो प्रोग्रेसिव वेव क्या होगी? जिसमें जो ट्रैवलिंग वेव है जो आगे बढ़ रही है, ठीक है, एक स्टेशनरी वेव भी पड़ेंगे जिसमें एनर्जी आगे नहीं बढ़ती है, ओके। तो प्रोग्रेसिव वेव की बात करेंगे इसमें हम। सो नाउ एनसीईआरटी लाइन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आपको। सो देखो, फॉर मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव वी नीड अ फंक्शन ऑफ बोथ पोजिशन एंड टाइम टी, ठीक है। तो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के लिए हमें क्या चाहिए? वेव, ट्रैवलिंग वेव के लिए पोजिशन और टाइम दोनों का ही फंक्शन चाहिए, ठीक है। देखो, जब हम वेव आगे बढ़ेगी तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं सारे के सारे क्या होंगे? डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें, सारे के सारे, बहुत सारे पार्टिकल, हर एक पार्टिकल जो मीडियम में होगा वो ऐसे चम करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग पोजीशन में पार्टिकल ऐसे चम करेंगे, इसलिए हमें पोजीशन का फंक्शन चाहिए, ठीक है। और टाइम के साथ भी ये वेरिएशन आएगा, ठीक है, इसलिए हमें टाइम और पोजीशन दोनों का ही फंक्शन चाहिए फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। सच अ फंक्शन एट एवरी इंस्टेंट शुड गिव द शेप ऑफ द वेव एट द इंस्टेंट, ठीक है। तो ऐसा जो फंक्शन होगा वो हर एक इंस्टेंट पे, हर एक टाइम पे हमें शेप दे देगा वेव का। अलग अलग टाइम पे क्या होगा? अलग अलग पार्टिकल अलग अलग डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो टाइम का फंक्शन होगा बेसिकली, टाइम पे डिपेंड करेगा अलग अलग पार्टिकल की जो मूवमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। ऑल्सो एट एवरी गिवन लोकेशन, साथ इट शुड डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कंटेनर ऑफ द मीडियम एट दैट लोकेशन, ठीक है। टाइम के साथ भी क्या कर रहा है वो? टाइम के साथ भी वेव में वेरिएशन आ रहा है, ओके। साथ ही साथ लोकेशन भी अलग अलग अलग, देखो जैसे कि वेव में ये पॉइंट सपोज यहाँ पर इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट पार्टिकल इतना डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, नेक्स्ट पार्टिकल ये नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो हम देख रहे हैं अलग अलग लोकेशन में क्या है, अलग अलग लोकेशन में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट होगा। तो अलग अलग लोकेशन में तो जो हमारा वेव मैथमेटिकल फंक्शन होगा जो इस वेव को डिस्क्राइब करने वाला है, वो लोकेशन का फंक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। दोनों का ही फंक्शन, टाइम का फंक्शन भी और लोकेशन का फंक्शन भी होना चाहिए जो हमारे वेव को डिस्क्राइब करेगा ऐसा फंक्शन, ठीक है। इफ़ वी विश टू डिस्क्राइब अ साइनोसोइडल ट्रैवलिंग वेव सच एज वन शोन इन फिगर, द करस्पॉन्डिंग फंक्शन मस्ट ऑल्सो बी साइनोसोइडल। ना साइन वेव को हम जब डिफाइन करना है, जैसे कि डायग्राम दिखा दो, कौन से डायग्राम की बात की इसमें, 15.3, ठीक है, जस्ट सेकेंड आप वेट करोगे, 15.3 डायग्राम, हाँ पीछे जो हमने देखा था साइन वेव, जैसे पल्स जो क्रिएट की थी बेसिकली उसकी बात करें, तो साइन वेव जो दिखा रहे हैं यहाँ पर है ना, ये साइन वेव, तो साइनोसोइडल वेव है, साइन वेव है, तो इसका फंक्शन भी जो होगा वो भी साइन वेव होगा, ठीक है। नाउ तो साइन वेव के लिए हमें एक साइनोसोइडल फंक्शन ही की रिक्वायरमेंट होगी, ओके। सो नाउ फॉर कन्वीनियंस वी शैल टेक द वेव टू बी ट्रांसफर, सो दैट इफ़ द पोजीशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेटर मीडियम इज डिनोटेड बाय एक्स, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन भी डिनोटेड बाय वाई। तो हम क्या करेंगे अभी, ट्रांसफर वेव की बात करें, ट्रांसफर वेव के लिए करेंगे पूरा जो हमारा डेरिवेशन होगा। ट्रांसफर वेव ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसफर वेव जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल है वो परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव के, ठीक है। तो उसको करेंगे, इससे ईजी क्या हो जाएगा, देखो कन्वीनियंट हो जाएगा। पार्टिकल्स तो देखो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, SHM कर रहे हैं, ओके। और जो अलग अलग पार्ट मीडियम के जो ट्रैवलिंग डायरेक्शन क्या है प्रोपोगेशन की, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो पार्टिकल अलग अलग पार्टिकल को हम जो मीडियम के अलग अलग पार्टिकल की पोजीशन हम एक्स से डिनोट कर देंगे और वाई से क्या डिनोट करेंगे, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो नाउ इसके बाद अ साइनोसोइडल ट्रैवलिंग वेव इज जन डिस्क्राइब बाय, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट है जो ये PDF में, तो मुझे बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखो ये है, देखो वाई, तो जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वो वाई और टी का फंक्शन है। मतलब देखो क्या है इसका, जो डिस्प्लेसमेंट है अलग अलग पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा अलग अलग पार्टिकल वो डिफरेंट होगा, साथ ही साथ टाइम के साथ भी ये वेरी करेगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल जो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग टाइम पे उनका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, साथ ही साथ अलग अलग पोजीशन भी अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों का ही फंक्शन बन गया ये वाई, और ये इक्वल हो जाएगा ए के
ये क्या होगा, इसमें एम्पलीट्यूड होगा ऑब्वियसली, SHM हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इस चैप्टर को समझने से पहले SHM और ऑसिलेशन चैप्टर, जो प्रीवियस चैप्टर था, वो अच्छे से आना चाहिए, तो आप बहुत इजीली इसे रिलेट कर पाओगे फिर। ओके, सो नाउ इसके बाद KX माइनस और यहाँ पर ओमेगा टी है और प्लस फाई है, ठीक है। एक बार थोड़ा रिकॉल करते हैं, जब हम SHM की बात करते थे, SHM में था जो हमारा वाई था, है ना, डिस्प्लेसमेंट को हम बस क्या कर रहे, एक्स साइन, ठीक है, फिर ओमेगा टी, और अगर फेस होगा इनिशियल फेस, ठीक है, तो फाई से डिनोट कर देंगे। तो इसमें हम जो हमारा पार्टिकल था वो ऊपर नीचे इस तरह से मीन पोजिशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, SHM कर रहा है, तो टाइम का फंक्शन था, ठीक है, एक ही पार्टिकल की बात करती है। लेकिन अब हम बात जो कर रहे हैं वो अलग अलग बहुत सारे पार्टिकल्स है, पोजीशन पे भी डिपेंडेंट है, तो एक फैक्टर और आ जाएगा यहाँ, KX, ठीक है। अभी और बात करेंगे कि अभी हम देखेंगे वेव वेक्टर है, ओके, प्रोपोगेशन वेक्टर है ये, ओके, तो इसकी बात आप भी करना है, इसकी वैल्यू के क्या होती है, 2π/λ होती है, आगे इसकी बात हम करेंगे, ओके। और तो KX माइनस ओमेगा टी प्लस फाई है, और फाई क्या है, द टर्म फाई इन द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन मीन्स इक्वलेंटी दैट वी आर कंसिडरिंग अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। जो फेस हो जाएगा, फेस ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं SHM में, ठीक है। तो फेस बेसिकली क्या बताता है, एक पार्टिकल का पोजिशन, साथ ही साथ डायरेक्शन भी, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ना, तो डायरेक्शन और पोजिशन दोनों ही बताता है फेस, ठीक है। ओके, सो नाउ तो इसमें ये भी बोला कि जो फाई है वो साइन फंक्शन को लीनियर कॉम्बिनेशन से डिनोट कर सकते हैं, देखो। तो थोड़ा बेसिकली इसमें आप आइडेंटिटी लगा देंगे, देखो कि एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई है ना, तो हमें पता है ना साइन ए, इसको ए मान लो, इस वाले जो एंगल है, और इसको बी मान लो, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, हमें पता है दिस इज साइन ए कॉस बी, ठीक है, और फिर प्लस साइन कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी, और बी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ओके। सो इसको हम इसका, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन ए क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा ये के एक्स माइनस ओमेगा टी, ओके, और कॉस बी क्या आ जाएगा, देखो कॉस फाई आ जाएगा, ओके, और कॉस फाई क्योंकि ये कॉन्स्टेंट इनिशियल फेज को डिनोट कर रहा है, इसको मैंने एक फंक्शन बोल दिया ए, बोल दिया उसको, ये कांस्टेंट है ना ये, तो ये भी एक कांस्टेंट ए से डिनोट कर दिया ऐसे, प्लस यहाँ पर ये देखो यहाँ पर फिर से कॉस ए क्या होगा, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये साइन फाई हो जाएगा, अगेन अ कांस्टेंट, ठीक है। सो इसको मैं बी से डिनोट कर दूंगा, तो ये हमारी इक्वेशन बनी, ठीक है। आप बुक की भी थोड़ी हेल्प लेना इसको समझने में, बिकॉज यहाँ मिसप्रिंट है। सो इसमें वाई आ जाएगा, देखो वाई आ जाएगा ए, ए क्या है, ए यहाँ हो जाएगा स्मॉल ए, जो एम्पलीट्यूड डिनोट कर रहा था, स्मॉल ए और कॉस फाई, ठीक है। आप साथ साथ नोटबुक में भी कर सकते हो, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ए यहाँ पर देखो क्या है, ए है ए कॉस फाई, और बी क्या है, बी ए साइन फाई, ठीक है। ये हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन लिख लिया, और देखो स्क्वायर करके इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और राइट हैंड साइड देखोगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई वन हो जाएगा, ये कॉमन निकाल के, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर स्मॉल ए स्क्वायर, सॉरी स्मॉल ए स्क्वायर आ जाएगा कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ले लेंगे यहाँ दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। साथ ही साथ उन दोनों ही इक्वेशन को क्या था फिर से, ए था ए कॉस फाई, बी था स्मॉल बी, सॉरी नॉट स्मॉल ए था एम्पलीट्यूड साइन फाई, तो इसको टू को वन से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर ये टेन फाई हो जाएगा, और ये से कैंसिल हो जाएगा, और टेन फाई आ जाएगा बी अपॉन ए। फाई क्या है, इसमें इनिशियल फेस है, अपोज भी बोलते हैं जिसे हम, ठीक है, तो फेस कॉन्स्टेंट बेसिकली, ओके वो है। सो नाउ आगे देखते हैं, तो हमने इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड कोसाइन फंक्शन में हमारे जो हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम, ठीक है, उसको हमने इक्वेशन लिखी है,
उसको हमने लिनकॉमिस साइन और क्वेश्चन फंक्शन में लिख लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। टू अंडरस्टैंड वाई इक्वेशन 15.2 रिप्रेजेंट अ साइनोसोइडल ट्रैवलिंग वेव, टेक अ फिक्स इंस्टेंट से टी इज इक्वल टू टी नॉट। ठीक है, तो ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन 15.2 ये वाली इक्वेशन एक वेव को ही क्यों रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस साइनोसोइडल ट्रैवलिंग वेव को ही रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसको हम समझेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक इंस्टेंट ले लिया, टाइम को टी नॉट ले लिया, तो देन द आर्ग्यूमेंट ऑफ द साइन फंक्शन इन इक्वेशन 15 सिंपली के एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो एक हमने टाइम को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम को फिक्स कर दिया, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जो ये आर्ग्यूमेंट है के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस वाई। ठीक है, इनिशियल फेस जो है, फेस कौन सा, वो तो कॉन्स्टेंट है, हमने टाइम फिक्स कर दिया, एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा फैक्टर कॉन्स्टेंट हो गया ना, तो क्या बच गया आर्ग्यूमेंट जो है साइन का, के एक्स प्लस अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, के एक्स प्लस अ कॉन्स्टेंट हो गया ये ना, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, फिर इसमें हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम की, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम सारे ही पार्टिकल, मीडियम के जितने पार्टिकल हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे इसको, टाइम को हमने फ्रीज कर दिया, एक तरह से फ्रीज कर दिया, मतलब फोटोग्राफ ले ली जैसे। ठीक है, तो बहुत सारे जो अलग अलग लोकेशंस पे एक्स क्या है, अलग अलग लोकेशन को बता रहे हैं, अलग अलग लोकेशन में पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट क्या मीडियम के वो बता रहे हैं। ठीक है, दस द शेप ऑफ द वेव एट एनी फिक्स इंस्टेंट एट अ फंक्शन ऑफ एक्स इज अ साइन वेव, और ये साइन वेव ही बनाएगा। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट हो गया, ये साइन वेव ही बनाएगा। ठीक है, अलग अलग जो लोकेशन है उस पर जो डिस्प्लेसमेंट हमें साइन वेव मिल जाएगी। ओके, नाउ सिमिलरली टेक अ फिक्स लोकेशन, अब फिर से देखो इसमें क्या करते हैं, एक्स को कॉन्स्टेंट ले लो। ठीक है, एक्स को कॉन्स्टेंट ले लिया इसमें, एक्स नॉट, जस्ट अ सेकेंड, तो इसमें देखो हमने क्या कर दिया, अब एक्स को कॉन्स्टेंट ले लिया, एक्स कॉन्स्टेंट लेने का मतलब क्या हो गया, एक्स नॉट ले लिया, मतलब हम अब पूरे हर एक पार्टिकल को नहीं देख रहे मीडियम के, एक जगह देख रहे हैं बस, एक पार्टिकल को देख रहे हैं ना, बहुत सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे थे, बस सबसे हमने नज़र हटाई, बस एक पार्टिकल को देख रहे हैं, इस पार्टिकल को देखे ये कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं टाइम के साथ। ठीक है, तो वो कॉन्स्टेंट होने का ये मतलब है, आई होप कि समझ में आ रही होगी बात। देन द आर्ग्यूमेंट ऑफ द साइन फंक्शन इन इक्वेशन 15.2 इज कॉन्स्टेंट माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना। ओके, नाउ द डिस्प्लेसमेंट है ना, तो मैंने बता दिया आपको क्या मतलब इसका, द डिस्प्लेसमेंट वायर अ फिक्स लोकेशन दस वेरी साइनोसोइडल विद टाइम, अब टाइम के साथ भी साइनोसोइडल वेरी करेगा, मतलब देखो ये पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, और इसको हम, इसका भी हम टाइम क्या कर सकते हैं, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का कर्व बनाए अगर हम, तो इस तरह से हमें ये कर्व मिलेगा, टाइम के साथ ये वेरी करेगा, अगेन साइन वेव मिलेगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा ये, दैट इज़ यस द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मीडियम एट डिफरेंट पोजीशन एक्सिक्यूट सिंपल ऑर्डरिंग मोशन। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ हमने देखी, फिक्स लोकेशन में भी साइनोसोइडल वेव बन रहा है, और ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स का हमने दोनों चीज़ देखी, अलग अलग लोकेशन की जब बात ली, एक पर्टिकुलर टाइम पे तब भी साइन वेव बन रहा है, और एक 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 पर्टिकुलर पॉइंट का, एक पर्टिकुलर लोकेशन का, एक पर्टिकुलर मीडियम के पार्टिकल का जब हम देख रहे हैं वेरिएशन डिस्प्लेसमेंट का विद टाइम, तो ग्राफ अगेन साइनोसोइडल कर्व बन रहा है। ठीक है, इसलिए ये पूरा वेव जो हमारी इक्वेशन थी जस्टिफाइड हो गया कि ये एक वेव को ही डेमोन्स्ट्रेट नोट कर रही है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। ओके, नाउ तो अलग अलग पार्टिकल के अलग पोजीशन भी सिंपल मोशन कर रहे हैं। फाइनली एस टी इंक्रीजेज, एक्स मस्ट इंक्रीज इन द पोजीशन डायरेक्शन टू कीप एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अगर टाइम इंक्रीज करेगा तो एक्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कीपिंग द पोजीशन डायरेक्शन टू कीप ये। ठीक है, तो इसका मैंने ट्राई किया, इस लाइन का मुझे बहुत हद तक मतलब नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल डिकोड नहीं कर पाया। ठीक है, अगर किसी को ये लाइन बिल्कुल क्लियर हो रही है, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि सबको समझ में आ सके, और इवन मुझे भी इस लाइन को समझ में आ सके। लिखा क्या है वो तो मैं बता सकता हूँ कि जो लिखा है इसमें, बट क्यों ऐसा है ये मुझे रीज़न नहीं पता चल रहा है। ओके,
तो क्या लिखा है देखो, टाइम बढ़ने के साथ एक्स को एक्स भी इंक्रीज होना पड़ेगा ताकि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये कांस्टेंट हो जाए। ओके, पॉसिबली अगर ये कांस्टेंट होगा तभी साइन वेव बनेगी, ठीक है। तो साइन वेव को बनने के लिए ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है ये कांस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है। और वो तभी पॉसिबल है जब अगर एक्स बढ़ेगा, ये टाइम बढ़ेगा, टाइम के बढ़ने के साथ एक्स भी बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नाउ दस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ साइनोसोइडल वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पोजिशन डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये साइन वेव को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, ऑन द अदर हैंड अ फंक्शन वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन, अब ये क्या देखना पड़ेगा मुझे, के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो ये भी क्या साइन ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियसली ये भी वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो फ़र्क क्या है, यहाँ पर ना ये वेव जो थी देख लेते हैं, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है ना। वाली जो वेव थी ना जिसमें के एक्स माइनस ओमेगा टी, वो क्या है, वो डिनोट कर रही है एक वेव जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बढ़ रही है। वो क्या बढ़ रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक है ये। और जबकि ये वाला क्या डिनोट कर रहा है, प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में बढ़ रही है। ध्यान रखना, जब के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा तो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और प्लस ओमेगा टी होगा तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में बढ़ रही है। ओके, सो आई होप इसकी इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद आगे देखते हैं, ये कुछ टर्म्स है जो यहाँ पर यूज़ हुआ है उसको इंटरप्रेट किया है, ऑलरेडी हमने देख लिया। वैसे वाई एक्स टी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड टाइम, तो डिस्प्लेस एज अ फंक्शन पोजिशन और टाइम का हमने अभी देखा, दोनों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग पार्टिकल का जो है पोजिशन पर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा और टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। ए एम्पलीट्यूड है वेव का, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वेव की, ठीक है। और के क्या है, एंगुलर वेव नंबर है, ठीक है। इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, वेव वेक्टर भी बोलते हैं। एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, 2π/λ होता है, ठीक है। नाउ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस क्या, इनिशियल फेस एंगल है ये, ठीक है। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे फिर। फिगर 15.6 शोज द प्लॉट ऑफ द इक्वेशन 15.2 फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम डिफरिंग बाई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो हमने 15.6 जो फिगर इक्वेशन थी 15.2 उसका प्लॉट बनाया, अलग अलग टाइम के लिए बनाया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है ये, जैसे पहले सेकंड के लिए, दूसरे सेकंड के लिए, तीसरे सेकंड के लिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन कर्व बन गया ये। ओके, अब देखो इसमें इन अ वेव द क्रेस्ट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पोजीशन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, द ट्रफ इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। वेव में जो मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को हम क्रेस्ट बोलते हैं, या ऑलरेडी आपको पता होगा। और जो मिनिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट से हम ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, टू सी हाउ अ वेव ट्रेवल्स वी कैन फिक्स अटेंशन टू ऑन अ क्रस्ट एंड सी हाउ इट प्रोग्रेसिव विद टाइम। वेव कैसे बढ़ेगी टाइम के साथ, आगे देखो ये क्रॉस बना ना, यहाँ इसको देखते हैं ना, ये क्रॉस जो बना है पहले टाइम में, इनिशियल टाइम में, टाइम जीरो में देखो ये क्रॉस यहाँ पर है। अगले इंस्टेंट में देखो जैसे वेव आगे बढ़ी, ये क्रॉस कहाँ बढ़ गया, देखो यहाँ बढ़ गया। अगले इंस्टेंट में देखो क्रॉस, जो ट्रफ देखो यहाँ पहुँच गया, ओके, फिर यहाँ क्रैश यहाँ पहुँच गया, ओके, फिर क्रैश यहाँ पहुँच गया। तो हम क्या देख रहे हैं, टाइम के साथ वेव आगे बढ़ रही है, ये बता रहे हैं क्रैश आगे बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्रॉस की बात ऑलरेडी मैंने बता दी। इन द सेम मैनर वी कैन सी द मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम एट अ फिक्स लोकेशन से एट द ओरिजिन ऑन द एक्सिस, दिस इज शोन बाय अ सॉलिड डॉट। साथ ही साथ हम क्या सकते, तो ये तो वेव आगे बढ़ रही है हमने देखा, ठीक है। साथ ही साथ देखो क्या देख सकते हैं हम, एक पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहा है, एक पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है। तो देखो ये एक डॉट हमने ब्लैक डॉट दिखाया, ठीक है। अब देखो अगले टाइम में ये डॉट क्या हुआ, एक पॉइंट की बात हो रही है अब, एक पार्टिकल की। अगले टाइम में देखो ये नीचे चला गया, ठीक है, एस एच एम कर रहा ना क्योंकि अपनी पोजिशन पर, फिर ये नीचे चला गया, फिर यहाँ पर नीचे था, ठीक है, ये इसकी पोजीशन आ गई, फिर ऊपर आ गया। तो आप देख रहे हो कैसे ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे ये टाइम के साथ, ओके। तो ये भी एस एच एम कर रहा है, ओके। एट द यस सो द प्लॉट्स ऑफ इक्वेशन शो दैट विद टाइम द सॉलिड डॉट एट द ओरिजिन मूव पीरियडिकली द पार्टिकल ओरिजिन ऑसिलेट अबाउट इट्स पिन पोजीशन एट द वेव प्रोग्रेसेस, दिस इज ट्रू फॉर एनी अदर लॉ, और ये किसी भी लोकेशन के लिए ट्रू होगा, ठीक है।
तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स है ना वो अपनी पोजिशन पर ही ऑसिलेट कर रहे सारे के सारे, ठीक है। और हमें ऐसा लगेगा कि जो वेव बन रही है ऐसे दिखाई देगा, तो एनर्जी आगे प्रोपोगेट होती है, पार्टिकल अपनी ही पोजिशन पर ऑसिलेट करते जाते हैं, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर एनी अदर लोकेशन। यू ऑल्सो सी दैट ड्यूरिंग द टाइम द सॉलिड डॉट हैज़ कम्प्लीट वन फुल लोकेशन कम्प्लीट ऑसिलेशन द क्रैश हैज़ मूव फर्दर बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। तो जितने टाइम में ये क्रैश्ड जो डॉट था हमारा ब्लैक डॉट, ठीक है, एक पार्टिकल का जो ऑसिलेशन दिखा रहा है, एक कम्प्लीट ऑसिलेशन पूरा करेगा उतने टाइम में ये जो क्रैश्ड है वो एक सर्टेन डिस्टेंस मूव कर चुका होगा, और वो कितना होगा, वो एक वेव लेंथ होगी, ओके। तो आगे देखेंगे, विद इन द प्लॉट ऑफ फिगर 15.3 वी कैन नाउ डिफाइन द वेरियस क्वांटिटीज। हम वेरियस क्वांटिटीज जो आगे पढ़ेंगे हम, एम्पलीट्यूड, फेज, वेव वेक्टर, इन सबको डिफाइन कर सकते हैं इस प्लॉट के बेसिस पे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको समझ में आया इस वीडियो से, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, इसे अपने फ्रेंड के साथ जिनको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। अपना फीडबैक जरूर दे रहा कमेंट सेक्शन में, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मुझे ताकि मैं और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकता हूँ यूजिंग यूट्यूब। थैंक्स, और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।